हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह ईयरली करंट अफेयर्स 2021-22 का है और इसमें टॉपिक आज का है सीईओ एंड ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए विजिट थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? राइट आंसर है सत्या नडेला। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ है सत्या नडेला। स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान और रेनाल्ट के सीईओ कौन है? दोस्तों, राइट आंसर है ताकायुकी इशिदा। देखिए, निशान और रेनाल्ट के सीईओ हैं ताकायुकी इशिदा। स्थापना हुआ था 1999 में। मुख्यालय योकोहामा जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ कौन है? राइट आंसर है सुंदर पिचई। देखिए, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। स्टेबलाइजमेंट हुआ था 1998 में और मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो सो राइट आंसर है जेन कू। देखिए, व्हाट्सएप के सीईओ हैं जेन कूम। स्थापना हुआ था व्हाट्सएप का 2009 में। मुख्यालय है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, राइट आंसर है सोमालिया। देखिए, वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के सीईओ कौन है? सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग। देखिए, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। स्थापना कब हुआ था फेसबुक का? तो 2004 में हुआ था। मुख्यालय मेलो पार्क कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? दोस्तों, राइट आंसर है केविन सिस्ट्रोम। देखें, इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रोम। स्थापना हुआ था 2012 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो दोस्तों, ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। स्थापना हुआ था ट्विटर का 2006 में। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के सीईओ कौन है? सही आंसर है सुसान वोजसिकी। देखिए, यूट्यूब के सीईओ हैं सुसान वोजसिकी। स्थापना हुआ था 2005 में। मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सुनील शर्मा। अब बदल गए हैं, इनकी जगह दूसरा कोई हो गया है, बीके त्रिपाठी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी के सीईओ कौन है? दोस्तों, राइट आंसर है को क्वांग मू। देखिए, एलजी के सीईओ हैं को क्वांग मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यालय सीओ दक्षिण कोरिया में। स्थापना को इन हवाई में स्थापित 5 जनवरी 1947 को बुसान दक्षिण कोरिया में। सीईओ हैं को क्वांग मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 21 साल की रेशमा मरियम राय सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बनी है? दोस्तों, राइट आंसर है केरल राज्य की। देखिए, केरल राज्य की 21 साल की रेशमा मरियम राय सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बनी है। तो राइट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है? दोस्तों, राइट आंसर है गूगल क्लाउड का। देखिए, विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपने भारत व्यवसाय के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है, जिन्हें गूगल क्लाउड में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड इस साल भारत में अपने दिल्ली क्लाउड क्षेत्र को लॉन्च करने की राह पर है। यह मुंबई के बाद दूसरा है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। समूह का प्रमुख कौन है? दोस्तों, राइट आंसर है राम विनय शाही। देखिए, भारत ने दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की थी, तो समूह का प्रमुख थे राम विनय शाही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महासागर के पार एकल नौकायन करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों राइट आंसर है चमेली हैरिसन। देखिए एक महासागर के पार एकल नौकायन करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं चमेली हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके में नॉर्थ यॉर्कशायर की एक 21 वर्षीय तैराकी शिक्षक जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर के पार एकल नौकायन करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। वह 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट के बाद 3000 मील की दूरी तय करने के बाद कैरिबियन में एंटीगुआ पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों विजय शेखर शर्मा को बनाया गया है। किसका? ICANN का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड का। देखिए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ का? उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने अभिनेता संजय दत्त को अपने स्वर्ण जयंती समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में असाइन किया है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने पश्चिमी देशों के राजदूतों को व्यवस्थित गैर ग्रेटा घोषित किया है? राइट आंसर है तुर्की देश ने। देखिए तुर्की देश ने पश्चिमी देशों के राजदूतों को व्यक्तित्व और ग्रेटा गैर ग्रेटा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कंगना रनौत को किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था? बिल्कुल सही राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, कर्नाटक कृषि विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है दर्शन तोगुदीपा को। देखिए कर्नाटक कृषि विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दर्शन तोगुदीपा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा को। देखिए हाल ही में टाटा AIA इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, किस जीवन बीमा कंपनी ने सतीश्वर बालाकृष्णन को CEO नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है एगोन का। अगला प्रश्न है, प्रिंसटन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 1979 में धर्म और शांति पर विश्व सम्मेलन में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? राइट आंसर है श्री बनंजय गोविंदाचार्य। अगला प्रश्न है, जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है हरीश पार्थवानेनी को। देखिए जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हरीश पार्थवानेनी को। अगला प्रश्न है, नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ज्योति कुमारी को। देखिए नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ज्योति कुमारी को। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है रवीश कुमार को। देखिए फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है सोनू सूद को। देखिए रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। अगला प्रश्न है, अभिवा इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अमित मलिक को। देखिए अभिवा इंडिया के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है अमित मलिक को। अगला प्रश्न है, GJC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है आशीष पेठे को। देखिए GJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आशीष पेठे को। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है संजय मिश्रा को। देखिए पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक इंक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है हेनरी मोनिज को। देखिए फेसबुक इंक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है हेनरी मोनिज को। अगला प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी को। देखिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दीपिका पादुकोण को। देखिए एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमवे के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है शेखोम मीराबाई चानू को। हाल ही में देखिए एमवे के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न है, संजीव बनर्जी को किस हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है मेघालय उच्च न्यायालय का। देखिए संजीव बनर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सुशांत डैश को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? सही आंसर है टाटा स्टारबक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार द्वारा किस महिला एथलीट को DSP नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है हिमा दास को। देखिए हिमा दास को असम सरकार द्वारा अभी हाल ही में एथलीट है जो कि हिमा दास, उनको DSP नियुक्त किया गया है असम सरकार द्वारा।